अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों का? सब ठीक ठाक हैं, उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। तो आज मैं ये मोटर है, सर्वो मोटर, चाइना सर्वो मोटर, जैक 513 मॉडल है इसका, ठीक है। आज मैं इसको दिखाऊंगा आपको E1 और E5 E4 क्यों आता है, कौन सी वजूहत होती हैं इसमें कि हमारा जो है ना मशीन चलाते हुए कि E1 या E3 या E4 या E5 आ जाता है। उसकी वजूहत ये होती हैं कि ये देखे मैंने मोटर को पहले ही जो है ना इसको इस पे लोड डाल दिया इस मोटर पे, तो मैंने बटन से ऑन कर दिया। ये E1 का प्रॉब्लम है, आपको बता रहा हूँ, ये E1 की प्रॉब्लम है। जब हमारी मोटर चलती चलती जाम हो जाती है ना, उसी टाइम पे जाम हो जाती है चलाते हुए किसी वजह से, या आपके जो है मशीन में शीटर में कोई मसला आ जाए या फंस जाए, तो इसकी वजह होती है ये सर्वो मोटर E1 का मसला होता है, ठीक है। या हमारी मोटर जाम हो जाए या एक्सोदाम, तो उसकी वजह भी हो सकती है E1 की, ठीक है। ये E1 की मैंने आपको वजह बता दी, ठीक है। इसको हल करने का बहुत ही आसान है कि वो जो हमारी मोटर जाम है या मशीन जाम है, आपने उसको ना बेल्ट उतार के जो है खाली मोटर आपने चलानी है, ठीक है। तो E1 का यही मसला होता है, ये ना हमारी मोटर जाम हो जाती है, तो इसलिए जो है ना E1 का मसला आ जाता है हमारे डब्बे। इसमें परेशानी होने वाली कोई बात नहीं है, कि होता है ना कि ज़्यादातर लोग देखते हैं कि ये हमारा बॉक्स ख़राब है या हमारी मोटर ख़राब हो गई है, तो इसमें परेशानी कोई नहीं है। इसमें सेटिंग सिर्फ बहुत ही आसान सेटिंग है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसके बॉक्स के जो पीछे पिन है ना, वो आपने उतार लेनी है। पिने उतार के आपने जो है ना बॉक्स को ऑन करना है। पिने उतारने से पहले आपने बॉक्स को ऑफ़ कर लेना, ऑफ करके आपने पिने उतारनी है, नहीं तो आपकी जो है ना सेटिंग सेव नहीं होगी। तो हम इसको ऑन करते हैं। तो ये देखें E4 आ रहा है इस टाइम, जो मैंने जैक उतारे हुए हैं ना मोटर का और क्लच का जैक उतारा हुआ है, तो ये E4 जैक 4 ई एरर 4 का मसला होता है कि ये जो हमारा पीछे मोटर का जैक होता है ना, वो उतार लिया जाए या उसमें पिने लूज़ हो जाए, तो इसकी वजूहत होती हैं E4 की, ठीक है। ये तो था E4 का मसला, ठीक है। ये मैं लगा दिया, मैंने मोटर वाली जो है ना जैक बड़े वाला वो मैंने लगा दिया। तो अभी इसको बॉक्स को ऑन करेंगे और आपके सामने जो है ना E5 का मसला प्रॉब्लम हल करके दिखाएंगे आपको। जी अब तो E4 आ रहा है ना, अभी इसको ऑफ करेंगे, ऑफ करके दोबारा हम पिनों को उतार के फिर लगाएंगे, तो E4 हमारा चला जाएगा। ये अभी E4 ही है जी, देखें ये जो है ना E4 अभी भी आ रहा है, ठीक है। E4 को हम हल करेंगे आपके सामने, बहुत ही आसान सा तरीका है E4 E1 और E5 को हटाने के लिए, प्रॉब्लम ठीक करने के लिए। अभी भी जो है ना E4 आ रहा है, हम इसको सेटिंग कर रहे हैं आपके सामने, देखें E4 आ रहा था आपके सामने, तो मैंने इसको E4 को उठा दिया। अब आपके सामने मोटर को भी चला के आपको दिखाएंगे, बहुत ही आसान तरीका है इसकी सेटिंग करने का जी। देखें अभी जो है ना हम इसको सेटिंग करके, आपने इसको एक बार जो है ना ऑफ़ कर देना है, ये बॉक्स को आपने ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ करके जब ये पूरा ऑफ हो जाए आपने इसको ऑन कर देना है।
जब आप सेटिंग करके आप इसको ऑफ ना करेंगे तो ये इसकी सेटिंग सेफ नहीं होगी, ठीक है। तो आपने इसको ऑफ करके ऑन, मैंने इसको ऑन कर दिया। अभी आपके सामने चला के देखते हैं, ये देखें E4 चला गया, ठीक है। अभी चलाते हैं आपके सामने, देखें चल रही है मोटर, आपके सामने चल रही है, ठीक है, बिल्कुल ठीक चल रही है। आपके सामने था कि E4 E1 आ रहा था, तो मैंने इसको ठीक कर लिया। E4 का मसला तो हल हो गया। अब इसका जो है ना E5 का भी आपको बताते हैं, मज़ीद आप आगे चल के आपको दिखाएंगे कि E4 का मसला क्यों आता है, किस वजह से आता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच किया करें। तो ये था E4 का मसला, ठीक है। E5 का भी मसला सेम ही होता है कि आपकी जो है ना बॉक्स की सेटिंग होनी होती है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।